इंजेक्शन के अंदर एड्रेनालाइन टार्टरेट इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है। इस इंजेक्शन का प्रयोग लो ब्लड प्रेशर के लिए और दिल की विफलता, दमा वाले जो पेशेंट हैं, एलर्जी या फिर सदमे के बाद होने वाली समस्या, हृदय रोग, रक्त स्राव, मोतियाबिंद के उपचार में, और तीव्र ग्राह्यता यानी जिसको हम एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, या फिर ऑपरेशन के समय में जो आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, इन सभी में एड्रेनालाइन इंजेक्शन को प्रयोग में लाते हैं। तीव्र ग्राह्यता जिसमें शरीर में या फिर चेहरे पर खुजली, चेहरे और आँखों में सूजन, गले में सूजन, जो ब्लड प्रेशर है वह लो हो जाता है। यह समस्या जहरीले कीटों की वजह से या फिर भोजन के साइड इफेक्ट की वजह से या दवाओं की साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। इन सारी समस्याओं में जो एलर्जी है, दिल की विफलता है, दमा वाले पेशेंट हैं, शॉक है, चाहे वो लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो, टैक्सिक शॉक सिंड्रोम हो या कॉम्बैक्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर शॉक हो, इन सभी में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हृदय की जो लय है या धड़कन है वो तेज हो जाएगी और इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग इसमें IV और SC यूज दोनों तरीके से दिया हुआ है। यह इंजेक्शन यानी एड्रेनालाइन इंजेक्शन अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक अभिग्राहकों पर कार्य करता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग कूल्हे की उंगलियां, हाथों और पैरों पर आपको प्रयोग नहीं करना है, या फिर जो पार्किंसंस रोग है जिसमें यानी जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति की, तो जो पार्किंसंस और जो रोग है जिसमें उन जो बुजुर्ग व्यक्ति है या मरीज है जिनको जो पार्किंसंस रोग है, उनकी हाथों की उंगलियां हैं जो हिलती डुलती रहती हैं और कंपन करती हैं और शरीर जो झुका हुआ रहता है, इस प्रकार के मरीज को बिना डॉक्टर की राय से इस इंजेक्शन को प्रयोग में नहीं लाना है। या फिर जो मधुमेह है वाले पेशेंट हैं या फिर त्वचा और कोमल ऊतकों का उनको संक्रमण है, इस प्रकार के मरीज को बिना डॉक्टर की राय से इस इंजेक्शन को प्रयोग में नहीं लाना है। या फिर अंतर्निहित हृदय रोग है, यह इंजेक्शन डायबिटीज वाले पेशेंट में रक्त शर्करा स्तर को बढ़ा सकता है। IV और SC दोनों तरीके से इसमें दिया है। इस इंजेक्शन का प्रयोग जैसे अगर एडल्ट हैं यानी 12 से ऊपर साल के हैं तो 0.5 mg यानी आपको ये 1 ml का एम्पुल है, आधा इसमें से आपको भरना है 0.5। और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 0.3 mg का आपको इसमें से भरना है। और 6 month से लेकर 6-6 साल तक के बच्चे हैं यानी 6 month का जो बच्चा है से लेकर 6 साल तक के बच्चे तक को 0.15 mg का डोज आपको देना है। अंडर 6 month यानी इससे 6 महीने से नीचे वाले जो बच्चे हैं 0.01 mg यानी पर किलो उस किलो के हिसाब से 0.01 mg आपको लेना है। यह इंजेक्शन वेंट्रिकुलर फिब्रुलेशन यानी हृदय की जानलेवा लय या दिल की धड़कन तेज या हृदय का जो फैलाव है, इस प्रकार के मरीज को बड़ी सावधानी पूर्वक इस इंजेक्शन को प्रयोग में यानी लगाना है। या फिर जिनको कोरोनरी धमनी रोग है या फिर धमनियों के अंदर प्लॉक जमने की समस्या यानी वसा, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम में रक्त में पाए जाने से जो प्लॉक है जो धमनियों को कठोर और संकीर्ण बना देता है, जिससे इस प्रकार के अगर मरीज हैं तो उनको यह इंजेक्शन बिना डॉक्टर की राय से नहीं लगाना है। इसके जो साइड इफेक्ट होंगे इस इंजेक्शन के, जैसे उलझन है, चिंता है, आशंका, बेचैनी, कपकपी, दुर्बलता, चक्कर आना, घबराहट, शरीर का पीलापन, जो धड़कन का तेज होना यानी सीने का फड़फड़ाना, यह स्थिति तब होगी जब आपने ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया है। हाई ब्लड प्रेशर में या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है यानी 120/80,
इसके बावजूद आपने इस इंजेक्शन को लगा दिया है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये लो ब्लड प्रेशर में लगाया जाता है, या फिर इसके जो साइड इफेक्ट हैं याददाश्त से जुड़ी समस्या या फिर अन्य संक्रमण हो सकते हैं। दोबारा बताऊंगा, इसको IM नहीं सॉरी IV और SC इसमें दिया हुआ है, और एड्रिनेलाइन में और कई इंजेक्शन है जिसमें IM यूज है, पर इसमें IV और SC यूज दिया है। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए आपको जो पतली वाली जो सिरिंज है उसका इस्तेमाल करना है। इसकी जो मार्केट रेट है 12 रुपये इसमें दी हुई है। धन्यवाद।